ये एक चीज है, एक चीज जो हम चिड़ियों से जान सकते हैं, शायद किसी भी मौसम संबंधी उपकरण से बेहतर, वो ये है कि अगर हम ध्यान से उन्हें सुने तो हम मौसम का हाल या मौसम के पैटर्न्स बहुत अच्छे से जान सकते हैं। कई स्टडीज में ये देखा गया है। गंगा के तट पर और नर्मदा के तट पर भी कुछ पक्षी अपने घोंसले नदी के बहुत करीब बनाते हैं, सिर्फ ये देखकर कि उन्होंने अपने घोंसले किस ऊंचाई पर बनाए हैं, लोग जान जाते हैं कि इस साल बाढ़ आएगी या नहीं। ये पक्षी अपने घोंसले मानसून से कम 4 महीने पहले बनाते हैं, लेकिन वे घोंसले काफी नीचे बनाते हैं। अगर बारिश बहुत भारी नहीं होने वाली और कोई बाढ़ नहीं आने वाली, लेकिन अगर बाढ़ आने वाली है तो वे उसे काफी ज्यादा ऊपर बनाएंगे। सिर्फ इसे देखकर पारंपरिक तौर पर लोग हमेशा से जानते रहे हैं कि इस साल बाढ़ आने वाली है, इस साल बाढ़ नहीं आने वाली। तो जाहिर है कि इससे पहले कि वो चीजें जाहिर हों जिन्हें हमारे मौसम संबंधी उपकरण पैमानों पर नाप सकते हैं, जैसे भाप, तापमान और दूसरी चीजों के जाहिर होने से पहले ही प्रकृति में पहले ही ऐसे संकेत मौजूद होते हैं जिन्हें एक पक्षी देख सकता है। शायद इंसानों में एक प्राणी जो मौसम की स्थितियों पर सबसे ज्यादा ध्यान देता है वो है एक विमान चालक। किसान कुछ हद तक, लेकिन विमान चालक कहीं ज्यादा, क्योंकि जो उड़ना चाहता है वो हमेशा मौसम पर नजर रखता है, क्योंकि उसी से तय होगा कि आप उड़ेंगे या नहीं। आप उड़कर किसी दूसरी दुनिया में पहुंच जाएंगे या इसी दुनिया में उतरेंगे, बहुत कुछ मौसम पर निर्भर करता है। तो उड़ने वाले प्राणी होने के कारण चिड़ियों ने शायद मौसम की स्थितियों के मामले में प्रकृति पर ध्यान देना सीख लिया है, जैसा और कोई नहीं कर पाता। इसके कई और पहलू हैं। हम प्रवासी पक्षियों के पैटर्न्स के बारे में जानते हैं, वे मौसम के पैटर्न्स को स्पष्ट रूप से जानते हैं, वरना वे ये उड़ान नहीं भर सकते, महाद्वीपों को पार करके लंबी दूरी की उड़ानें। शायद समुद्र जाने वाले लोग, इसीलिए समुद्री डाकुओं के पास एक तोता होता था, उनके पास GPS नहीं था। तो मौसम के पैटर्न और हवा के पैटर्न को पढ़ना जो कोई उड़ना चाहता है, आज हमारे हवाई जहाजों में बहुत ही शक्तिशाली इंजन लगे हुए हैं, लेकिन अगर आपको सिर्फ अपने पंखों से खुद को उड़ाना हो तो हवा के पैटर्न सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। अगर आप हवा को नहीं जानते तो उड़ने का कोई तरीका नहीं है। कम उम्र में जब मुझे हैंड ग्लाइडर उड़ाने की इच्छा होने लगी, मैंने लगातार कई दिनों तक बैठकर हवा को ध्यान से देखा। असल में उड़ने से पहले मैं जानता हूं कि हवा कितनी महत्वपूर्ण है, वो आपको ऊपर ले जाती है या थपेड़े मारकर नीचे गिरा देती है। ये बहुत इंसानों में बहुत कम लोग, सिवाय विमान चालकों के, इंसानों में बहुत कम लोग हवा की अहमियत समझते हैं कि कैसे हवा में जरा से बदलाव भी ये तय करते हैं कि आपके साथ क्या होगा, खासकर अगर आप इंजन वाली उड़ान नहीं, अगर आप बिना इंजन वाली पंखों से उड़ान भरते हैं तो आप देखेंगे कि यह बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। शायद पतंग उड़ाने वाले भी कुछ हद तक इस पर गौर करते हैं, लेकिन उस हद तक नहीं। तो अगर कोई मौसम को जानना चाहता है तो निश्चित तौर पर पक्षियों को सुनना बहुत अच्छा होगा। शायद सभी को नहीं, उनको जो आसमान में बहुत ऊंचे जाते हैं। वो पक्षी जो अपने पंखों को फड़फड़ाए बिना आसमान में ऊंचे जाते हैं, इन सभी पक्षियों में मौसम के पैटर्न और हवा के पैटर्न जानने की जबरदस्त क्षमता होती है।